अभी जो हमें करना है इट इज़ रिलेटेड टू द यूनिट 3.1 एंड जो आपका यूनिट 3.1 है इट इज़ अबाउट, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन सोशल सिस्टम. इंडियन सोशल सिस्टम क्या है और कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो लिख लीजिए यूनिट 3.1 इंडियन सोशल सिस्टम. जब हम इंडियन सोशल सिस्टम की बात करते हैं इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कल्चर, द ट्रेडिशंस, उनके बारे में हम बात करेंगे. अब कल्चर और ट्रेडिशन वो हमारा एक सेपरेट फॉर्म चला जाता है जिसमें हम कल्चरल एट्रीब्यूट्स लाइक कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, कैसे ओरिजिनेशन हुआ है, उन सब के बारे में बात करते हैं. बट इन टुडेज़ यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस जो कि हमारे एंशिएंट कल्चर से चली आ रही है, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे. सो बेसिकली अगर मैं समरी फॉर्म में बोलूँ तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्णाश्रम. हम वर्णाश्रम के बारे में बात करने वाले हैं. एंड वर्णाश्रम मीन्स व्हाट? वर्णाश्रम मीन्स द फोर स्टेजेस and these are considered as the stages of the life. So irrespective of any religion, so यहाँ पर हम religion wise नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर Indian की India's structure क्या है उसके बारे में बात करेंगे. अब आपको क्या होगा, आपको एक kind of similarity देखने को मिलेगी एक particular religion और Indian social system में, but we need to keep it under the Indian social system या social structure क्या है या कैसे काम करता है उसके ऊपर. सो जब भी हम किसी पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर या ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली फोर एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी करते हैं. फोर एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट? कि पहले हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि हम किसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं देशा. सो देश. नेक्स्ट हम जो बेसिक स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द टाइम, कि किस टाइम पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको कि बोला जाता है काल. ठीक है, सो हिंदी में उसको वही वर्ड बोला जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं दैट कि आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है या सराउंडिंग्स है वो कैसी है, कि वो किस की तरफ उसका इंक्लिनेशन है. सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द श्रामा. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट सिस्टम जो कि इन सबको बांध कर रखता है विच इज़ कॉल्ड एज द गुण, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्च्यू, कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग को अगर हम स्टडी करें. तो दीज आर जस्ट द फोर एट्रीब्यूट्स. ये कहीं लिखने नहीं हैं, कहीं आएंगे नहीं, जस्ट आपने एक बार पढ़ लेना है. फाइन, सो चलिए लिखिए. द ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम, द ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम is studied with reference to four factors that influence the life and the conduct. These are, first लिख दीजिए देश, एंड उसके साइड में हम लिखेंगे क्या, कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्लेस, कंट्री मतलब प्लेस हम बोलेंगे बेसिकली. नेक्स्ट आ जाता है काल. काल इट इज रिलेटेड टू द टाइम. नेक्स्ट आपका आ जाता है श्रामा, एंड श्रामा इट इज रिलेटेड टू द सराउंडिंग एंड द एनवायरनमेंट. सो इट इज रिलेटेड टू द कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट. नेक्स्ट आ जाता है गुणा. सो गुण इट इज़ रिलेटेड टू द वर्च्यू, और ये कैसा होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल ट्रेट्स, कि आप में ये गुण है तो ये है.
ओके सो जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आप जो नेचुरल ट्रेड जिसको हम गुण बोल रहे हैं, क्या आप ओवर द टाइम इसको डेवलप कर सकते हो, या फिर इट इज समथिंग कि जिसमें नेचुरल ट्रेड्स है, बाय बर्थ है तो है? यस, ओवर द टाइम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, देन ओके फॉर्म लाइक अर्लियर यू डोंट हैव, नाउ यू हैव, फॉर एग्जाम्पल. नेचुरल ट्रेड्स की मैं बात कर रही हूँ, नहीं हो सकते. ओके हाँ जी शरण. ओके गुण मीन्स नेचुरल ट्रेड्स. अब हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ नेचुरल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या नेचुरल ट्रेड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यू डेवलप हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, या नेचुरल ट्रेड इज समथिंग विच इज नेचुरल, जो कि आपका बाय बर्थ डेवलप हुआ है और वैसे ही है. जैसे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो कुछ कुछ बोलते हैं कि कुछ लीडर्स जो हैं वो बनाए नहीं जाते, लीडर्स जन्म लेते हैं, सम यूज टू से ना, तो इन दैट सेंस आई एम आस्किंग, चेंज हो सकते हैं. ओके फॉर एग्जांपल वो स्किल होगी, क्या वो गुण होगा? वो स्किल तो सबके पास होगी, जिसने सबने सीख ली है. सो जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो प्रैक्टिस कर रहा है, और वो प्रैक्टिस समटाइम्स काम कर सकती है, समटाइम्स नहीं. फॉर एग्जांपल अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, तो देयर आर सो मेनी पर्सन जिनको मार्केट की नॉलेज होती है. अब एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक कि दे विल अर्न द प्रॉफिट, सम डेज विल कम, उनको कुछ लॉस भी होता है, एंड इट्स लाइक कि प्रॉफिट है तो लॉस होगा भी, मार्जिन पे प्रॉफिट पे जाता है, बट द काइंड ऑफ थिंग कि उसकी इतना पोर्टफोलियो बना हुआ है ना, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही निकल के आता है. हाँ जी एग्जैक्टली. सो द थिंग इज दैट कि द नेचुरल ट्रेड्स आर समथिंग विच आर डेवलप्ड, बट देखो द थिंग इज दैट इट इज़ अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स एंड द इन्वायरमेंट, बट नेचुरल ट्रेड्स उसी पर्सन में आ सकते हैं जिसमें काइंड ऑफ अर्लियर ये टाइप एग्जिस्ट करता है. देयर आर सम पर्सन एज वेल जो कितना ट्राई कर ले उनसे अच्छा नहीं बनता है, एंड देयर आर सम पर्सन जो विद द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर लेते हैं. सो दैट्स वाई जब हम यहाँ गुण ले रहे हैं, तो यहाँ हम उस नेचुरल ट्रेड को ले रहे हैं जो नेचुरल ट्रेड टाइम के साथ पॉलिश हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देर इज समथिंग कि डायमंड में काइंड ऑफ जो स्पार्कल है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट पॉलिश करके उसको इनहेंस किया जा सकता है. सो मेरा क्वेश्चन का सेंस क्या था, इट इज नेचुरल ट्रेड्स दे कैन बी डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ द टाइम, बट इट इज समथिंग विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई वो पॉलिश होके टाइम के साथ इनहेंस हुआ है. Is it okay? So it means that कि the kind of हर एक stage में, आगे हम देखेंगे वर्णाश्रम की stages आएंगी. So वर्णाश्रम की stages में we are going to see that some person are like कि वो बहुत ज़्यादा strictly उनको follow करते हैं rules and regulations को. कुछ ऐसे होते हैं they destined to be king, उनकी destiny में है king बनना, but some like that कि वो किंग बना मेंटेन रहते हैं. कुछ ऐसे हैं कि जिनका पूरा का पूरा जो उनका किंगडम है वो छिन जाता है, बिकॉज वो मेंटेन नहीं कर पाए. सो दैट्स वाई गुण और नेचुरल ट्रेड्स का सबसे ज़्यादा रोल रहता है. अगर आप अपने नेचुरल ट्रेड्स को मेंटेन कर पाओ, तो आप जो वर्णाश्रम है उनके पोजिशंस मेंटेन कर पाओगे. अगर आप इसे मेंटेन या इन्हेंस ना कर पाओ, तो आप कंप्लीटली अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाओगे. सो दिस इज द बेसिक थिंग रिगार्डिंग दिस. हाँ जी क्लियर हो गया सबको? ओके हाँ जी चेंज हो सकते हैं. हाँ जी गुड मॉर्निंग मनाली, तबीयत कैसी है अभी आपकी? बट नीड अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू मॉडिफाई इफ अ लीडर इज वोन दैट एनवायरनमेंट इफ नॉट प्रोवाइड. हाँ जी सफू सही बोल रहे हो, इट इज़ नेचुरल बट टाइम के साथ डेवलप हो जाता है. सो दैट्स वाई इस पर्सपेक्टिव में वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके हाँ जी रोहित आपकी तबीयत कैसी है?
लगता है सही नहीं है, बट हाँ सही रखने की कोशिश कर रहे हो. व्हाट हैपेंड? अभी ठीक है? ओके चलिए. सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्ट्रेट अवे स्टार्ट द पार्ट ए विच इज बेसिकली द वर्णाश्रम. सो लिख दीजिए पार्ट ए वर्णाश्रम. हाँ जी, ऑनलाइन में मुझे बता दीजिए नोट्स अपलोड हो गए हैं या नहीं. अब इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, वर्णाश्रम के ऊपर बन जाता है, कर्म के ऊपर बन जाता है, रीबर्थ के ऊपर बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन बना, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो डायग्राम अभी मैं बनवाऊंगी सर्कल वाला डायग्राम, वो डालना ही डालना है. मीन्स इस यूनिट के ऋण वाला एक क्वेश्चन है उसको छोड़कर बाकी कोई क्वेश्चन आए उसमें ये डायग्राम चिपकाना ही है. ये मतलब आप गांठ बांध लीजिए अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आया. सो वर्णाश्रम की अगर हम फोर स्टेजेस की बात करें तो वर्णाश्रम की फोर स्टेजेस दीज आर कंसीडर है. सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्या. ब्रह्मचर्या के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? गृहस्थाश्रम. गृहस्थाश्रम के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? वानप्रस्थ एंड देन संन्यास. ठीक है, सो दीज फोर आर कंसीडर्ड एज द फोर स्टेजेस ऑफ वर्णाश्रम. ब्रह्मचर्या एंड इट्स लाइक कि अगर आपको काइंड ऑफ मोक्ष की प्राप्ति करनी है देन इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे ऐसे एंड ऐसे. मतलब ये एक लीनियर फैशन में ही होना चाहिए, तभी आप अपने जो है काइंड ऑफ जो भी आपके ऊपर लाइक लाइबिलिटीज है या उनको आप लाइक पूरा फुलफिल करने के बाद आप अपनी जो है वो स्टेजेस को अचीव कर सकते हो. अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक एक स्टेज को हम उठाएंगे एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, पहले मैं डायग्राम बनवा देती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा हर एक स्टेज के बारे में लिखेंगे. सबसे पहले जैसे कि ये जो स्टेज है ये स्टार्ट कहाँ से या कैसे होती है? इट स्टार्टेड विद द ब्रह्मचर्या. ब्रह्मचर्या स्टेज में मतलब हम बाद में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देती हूँ. ब्रह्मचर्या स्टेज क्या होती है? इट इज़ द स्टेज टू गेन द नॉलेज. और इस स्टेज में और कुछ नहीं करना होता, जस्ट आपने अपना धर्म फॉलो करना होता है, द धर्मा. एंड धर्मा आपका होता है तीन को लेकर, पहला गुरु धर्मा, दूसरा होता है गुरु माता धर्मा एंड तीसरा होता है सखा धर्मा. सो सपोज करो आपका जो लाइफ है इट इज लाइक, अभी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज यू आर इन द स्टूडेंट लाइफ. सो स्टूडेंट लाइफ में जब होते हैं तो उस टाइम पे आपका जो कंप्लीट आपका जो ध्यान होना चाहिए दैट इज़ टू गेन द नॉलेज एज मच एज यू कैन. सो अर्लियर टाइम पीरियड में, ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की जब गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट होता था. अभी भी गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट होता है बट अभी जो है मॉडर्नाइज गुरुकुल वाला जो है कॉन्सेप्ट होता है. सो गुरुकुल में बेसिकली होता क्या है दैट द फर्स्ट थिंग इज कि वहाँ पर आप पूरी की पूरा जो आपका वर्ल्डली लाइफ है उससे कट के आप रहते हो. एंड क्योंकि आप उससे कट के रहते हो इट मीन्स कि आपके पेरेंट्स के साथ डेली विजिट नहीं होती है, उनकी डेली मीटिंग नहीं होती है, आप अपने जो गुरु का हर्मिटेज है उससे बाहर नहीं जा सकते हो. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है यू हैव टू फॉलो. अब जब आप ये फॉलो करते हो तो आपका किसी और के साथ कोई रिलेशन होता नहीं है, इट्स जस्ट दैट व्हाट योर गुरु इज सेइंग आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा. अब जो गुरु की हर्मिटेज है उसमें गुरु माता मीन्स द वाइफ ऑफ द गुरु वो रहती है एंड वो आपके लिए खाना बनाती है और आपकी केयर करती है लाइक योर मदर. व्हाई? बिकॉज आप गुरुकुल में हर्मिटेज में हो एंड इस वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड द गुरु माता कि अब जो वो काम बोलेगी वो आपको उनके लिए करके देना होगा. आपने सीरियल्स तो देखे होंगे कुछ ना कुछ जिनमें गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा. एंड नेक्स्ट थर्ड वन आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सखा धर्मा. सखा धर्मा मीन्स व्हाट? दैट कि आपके साथ जो आपके मेट्स रह रहे हैं, जो कि आपके साथ में काइंड ऑफ लर्निंग करते हैं, जिनके साथ आप अपना बाकी का एंटरटेनमेंट वाला टाइम लेजर टाइम उनके साथ आप जो है अपना स्पेंड करते हो, तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ कॉल्ड एज द सखा धर्मा. कि आपको अपने सखे के साथ भी धर्मा इन द सेंस कि उनको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आप उनकी हेल्प करोगे, द काइंड ऑफ आप उनको गाइड करोगे, आप एंटरटेनमेंट में उनका साथ दोगे. सो ये आपके धर्म होते हैं. सो इस स्टेज में इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता. सो दिस इज द स्टेज विच इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ लर्निंग. सो ब्रह्मचर्या मीन्स लर्न, देन आप जो है एंटर कर जाते हो नेक्स्ट स्टेज में एंड द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज द गृहस्थाश्रम.
गृहस्थ आश्रम बेसिकली क्या होता है, यहाँ आपके टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आती है. फर्स्ट वन इसमें आती है अर्थ एंड काम. गृहस्थ आश्रम इज कॉल्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बिकॉज दिस इज द स्टेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जनरेशंस. बिकॉज इन द गृहस्थ आश्रम दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल हिज ऋण. अब एक पर्सन का ऋण किसकी तरफ होता है? वन पर्सन हैज द ऋण टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स. अब पेरेंट्स की तरफ क्या ऋण है? दैट कि उनको प्रोजिनी या ऑफ स्प्रिंग जो है उनको बर्थ देना है सो दैट कि उनका जो जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे. सो दैट्स व्हाई ऋण है ऑफ पितृ ऋण विच इज कॉल्ड एज कि जो पिता है द फादर उसकी लाइफ कंटिन्यू या उसको जाना जाएगा. क्यों? क्योंकि आपके आगे प्रोजिनीज हो रहे हैं तो द काइंड ऑफ उनको कॉन्टिन्यूटी जो है वो मिलती है. इसी के साथ साथ बिकॉज इस लाइफ में कंसिडर एज मैन इज अ सोशल एनिमल सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मैन इज अ सोशल एनिमल यू हैव टू मेंटेन द सोशल रिलेशंस एंड बिकॉज ऑफ दो सोशल रिलेशंस आपके कुछ रिलेटिव्स बनते हैं विच आर कॉल्ड एज द अतिथि. सो यू हैव अ ऋण टूवर्ड्स द अतिथि. सो क्यों बोला जाता है अतिथि देवो भव? इट मीन्स दैट कि अतिथि आएगा एंड आपको उसकी आवभगत करनी होगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप चाहे घर में कैसे भी खाओ अतिथि के लिए आप जो है दो से तीन सब्जी बनाओगे, ठीक है, उसके लिए जो है अच्छे अच्छा मतलब पकवान बनेंगे. सो अर्लियर टाइम पीरियड में क्या होता था कि अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो वहाँ पर गेहूँ का मतलब वीट फ्लोर जो है काइंड ऑफ लग्जरी कंसिडर किया जाता था. सो वीट फ्लोर इज कंसिडर एज द लग्जरी. और अगर कभी मतलब नॉर्मली वो क्या खाते होते थे, या तो बाजरा उसकी रोटी खाते होते थे, मोस्टली बाजरे की रोटी खाते होते, या तो मक्का जो है उसकी रोटी खाते होते थे. और जब भी कोई गेस्ट आता था तो फिर गेस्ट के लिए जो है वीट फ्लोर या गेहूं की रोटी बनाई जाती थी. सो इट मीन्स दैट कि अतिथि की तरफ आपका जो है काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच यू नीड टू मेंटेन, जो आपको मेंटेन करनी होगी, ठीक है. सो अर्थ एंड कामा, काम में इंडल्ज होना होगा सो दैट कि प्रोजिनीज जो हैं वो डेवलप हो. अर्थ मीन्स व्हाट? इन दिस स्टेज यू हैव टू अर्न मनी. व्हाई? टू फुलफिल द नीड ऑफ योर फैमिली. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. भैया नोट्स ले आइए अब अगर आप. हाँ बंद है क्यों? अच्छा इसीलिए अभी दिन में बंद रहेगा. हाँ हाँ खुलेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे. हाँ जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द अर्थ. सो अर्थ का मतलब क्या है? इट मीन्स द मटेरियल पोजेशन. मटेरियल पोजेशन कि अब आपकी फैमिली की जो भी नीड्स हैं यू हैव टू फुलफिल, आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी. इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवर द मेल. मतलब आपको ये भी देखने को मिलेगा इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड. क्यों? क्योंकि हम पुराने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो जो मेल पर्सन है ना उन्हीं के लिए तो ये सब स्टेजेस बोली गई है और उन्हीं के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोली गई है. तो अर्था वाले कॉन्सेप्ट में उनको क्या करना है? जो भी उनकी फैमिली की नीड है इतनी है तो इतनी फॉलो करो, इतनी है तो इतनी को ही वो कंप्लीट फुलफिल करें. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द अर्था. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज में जो है एंटर कर जाते हैं एंड द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज वानप्रस्थ. मीन्स कि जब आप अपने इंडिपेंडेंसी वाला टाइम पीरियड मटेरियल पोजेशन ऋण और काम वो सब फुलफिल कर चुके हो देन अचीविंग अ सर्टन एज जब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए एंड देन यू नीड टू लाइक टर्न टूवर्ड द वानप्रस्थ. मीन्स कि अब अगेन आप जो है वर्ल्डली लाइफ से थोड़ा थोड़ा दूर रहना स्टार्ट करोगे. इन दिस स्टेज आप अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जा सकते हो बट यू वॉन्ट इंडल्ज इन टू द काम. इस स्टेज में आप वाइफ आपके साथ में रह सकती है एंड इस स्टेज में आप अपने ऋण को भी जो बचे हुए उनको फॉलो कर सकते हो. या फिर वानप्रस्थ स्टेज में ये हो सकता है दैट कि आपके जो हर्मिटेज आप बनाओगे. मीन्स वानप्रस्थ का मतलब है एग्जैक्टली वन में चले जाना. सो आज के टाइम पीरियड में मॉडर्न क्या है? कैंपिंग जो है. कैंपिंग के लिए आप में से कोई गया है कैंपिंग के लिए? सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपने फील किया है? अच्छा
अच्छा मतलब वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन या ऐसा कुछ नहीं होता है. मुझे ना हमेशा एक काइंड ऑफ मतलब जब भी मैं कैंपिंग वगैरह देखती हूँ तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में. आई नो थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि द काइंड ऑफ लाइक टॉयलेट फैसिलिटीज़ या ये वो ये कैंपिंग वगैरह वहाँ तो मतलब ऐसे एरिया में देखते हैं ना, वो कैसे होता होगा? मीन्स देर इज लाइक इफ द गर्ल्स आर गोइंग हाउ दे यूज टू मैनेज. अच्छा नहीं बट मैंने कुछ एक ऐसा देखा है ना यूट्यूब्स पे वो डाल देते हैं कि हम कैंपिंग के लिए गए हैं या ये वो, तब मुझे क्यूरोसिटी होती है दैट कि हाउ दे यूज टू स्पेंड देयर टाइम या ये वो कैसे या काइंड ऑफ सम कुछ कुछ क्या करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे ही कोई एरिया देख लेते हैं कि खाली सा और वहाँ जाके कैंप लगा लेते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स या वो आ जाते हैं या कुछ दिखाते भी हैं उनका खाना उठा कर ले गए या ऐसा या वैसा. तो मतलब आप स्पॉन्सर्ड उस इस तरीके से होगा. ओके सो क्या क्या हाँ अकेले भी कुछ कुछ हो. अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना सोलो ट्रिप, सोलो गैमी तो आपने सुना ही होगा. एक लड़की ने खुद से शादी करी मिरर में देख के एंड फिर अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी है उन्होंने, आपको नहीं पता है वो? हाँ तो एंड सोलो ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी चल रहा है आजकल, तो ये होता ही है. बट वानप्रस्था में अब धीरे धीरे वो अपना मेजर टाइम जो है किसके लिए, डिवोशन के लिए जो है वो स्पेंड करेंगे मेजर टाइम. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेज आप जो है लास्ट में चले जाते हो संन्यास. एंड संन्यासा इज द स्टेज कि जब आप कंप्लीटली वर्ल्डली लाइफ को छोड़ चुके हो, नाउ आपका कंप्लीट टाइम एज अ पर्सन जो आपकी आइडेंटिटी थी उसकी तरह आप नहीं, मतलब आप अपना सोशल लाइफ कंप्लीटली छोड़ चुके हो. दिस इज द स्टेज विच इज कॉल्ड एज द संन्यासा. एंड आफ्टर द संन्यासा आप जो है एंटर कर जाओगे इन द मोक्ष. आप एंटर कर जाओगे मोक्ष में. अब द बेसिक थिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जो बोली जाती है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कि आपको मोक्ष कब मिलेगा. आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप अपने इन स्टेजेस को इनके रूल्स की तरह फॉलो करके गए हो. अगर आपने इसको इसके रूल्स की तरह फॉलो नहीं किया है देन अगेन आप आओगे इन द सर्कल ऑफ द रीबर्थ. एंड इन द साइकिल ऑफ द रीबर्थ अगेन आपको क्या मिलेगा, अगेन मीन्स यू विल गेट अ बर्थ एज अ ह्यूमन एंड यू विल गेट द ब्रह्मचर्या एंड अ चांस अगेन टू रीच दिस. अब क्या होगा, कब होता है ये, इफ इन केस आपने अपनी इफ नॉट फुलफिलिंग रिन, या आपने अपना ऋण नहीं कंप्लीट किया या फिर आपने अपनी ड्यूटीज नहीं फुलफिल करी, तो आपको अगेन रीबर्थ मिलेगा कि पहले अपने पुनर्जन्म का हिसाब करो खत्म एंड देन फिर आपको मोक्ष मिल सकता है. सो तभी बोला जाता है कि कभी भी आपको किसी भी तरीके का बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरा काम करोगे तो आप अगेन इस रीबर्थ के साइकिल में जो है फंस जाओगे और अगेन एंड अगेन आप इसी में घूमते रह जाओगे. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज. और अगर इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर धर्मा, इफ नॉट फुलफिलिंग धर्मा, इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपने धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू लाइक, और वो धर्म कैसा है, द धर्म इज समथिंग जिसको कि आप जस्टिफाई कर सको. ऐसे रिचुअल, ऐसी प्रैक्टिसेस जिनका कि कोई लॉजिक नहीं बनता, वो नहीं है कि आप ब्लाइंडली अपने धर्मा में जिस भी तरीके की एक्सप्लोटेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको भी आप फॉलो करो. नहीं, इट मींस दैट कि द काइंड ऑफ सेक्रेड प्रैक्टिसेस आप उनको फॉलो करो. एंड सो दैट्स व्हाई दिस इज साइकिल इज कॉल्ड एज द वर्णाश्रम. अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है रीबर्थ पर
तो भी इसको मेंशन करना है. कोई क्वेश्चन आ जाता है कर्मा थ्योरी के ऊपर तो भी इसको मेंशन करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड अपॉन योर कर्मा. इफ यू आर फुलफिलिंग द ऋण, इफ यू आर अर्निंग मनी, इफ यू आर फुलफिलिंग योर धर्म, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज द बेसिक थिंग, जिसमें कि आप अपनी लाइफ के जो पर्पज है उसको फुलफिल करोगे. ठीक है, सो अब इसको आप बना लीजिए वर्णाश्रम लिख के, एंड देन हम एक एक स्टेज करेंगे. हाँ जी, हाँ जी पार्थ, दैट सोलो गैमी जो है वडोदरा में हुई. अभी कभी किससे डाइवोर्स लिया, मैं देखती हूँ. हाँ मतलब खुद से ही लेगी वो. हाँ आप इतना लिखो, मैं देखती हूँ. पिज्जा से शादी करी? अच्छा वो लड़की अलग है जिसकी जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसने डाइवोर्स लिया है. 25-year-old वुमेन हु मैरिड हरसेल्फ वांट्स अ डाइवोर्स इन जस्ट 24 आवर्स. 24 घंटे में उसने डाइवोर्स मांग लिया. ये तो ये है, ये वाली. एंड वो वडोदरा वाली लड़की अलग है, उसने तो हैप्पीली अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है. ओके, सो जूही इज़ आस्किंग कि मैम दिस साइकिल इट अप्लाइज ओनली टू द मैन. सो अगर जब हम बात कर रहे हैं वर्णाश्रम की, तो इट इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड मैन. हाँ तो इट इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड द मैन. वाई? क्योंकि हम अर्लियर टाइम पीरियड की बात करें, इवन हम थोड़ी टाइम बाद मनुस्मृति को भी कोट करेंगे, यजनावल्क्य स्मृति उसको भी कोट करेंगे, तो इसमें हम वो फेमिनिज्म वाला पॉइंट नहीं लेकर आएंगे. इट इज़ द इंडियन सोशल सिस्टम और ये स्ट्रक्चर जैसा है वैसे हम कर लेंगे. रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट सच है, एग्जैक्टली सच है. आपने कोई इंस्टेंस देखा है कि कोई पर्सन जो ये बोलता है कि अर्लियर टाइम पीरियड में तो मैं ये थी और अब इस जन्म में मैं ये बन चुकी हूँ? उसकी तो ऑथेंटिसिटी को हम नहीं बोल सकते, बट देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जिसमें कि ये एक्चुअली में ये तो फेक है. सम डेज बैक एक लड़की जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पे वो रो रही है और बोल रही है कि अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, पकड़ी नहीं गई है जिसने किया था ये ऐसे ऐसे. हाँ जी अभिषेक, अभी हम इसको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ करने वाले हैं. मिराल ज्योति आस्किंग कि मैम क्या मोक्ष के बाद भी रीबर्थ होता है? मोक्ष के बाद रीबर्थ नहीं होता. रीबर्थ कब हुआ? जब हमने कंडीशन लिखी हुई है कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा अगर आपने अपने ऋण और ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया. ऋण का मतलब है लाइबिलिटीज़. सो आपकी लाइफ के साथ कुछ लाइबिलिटीज़ आई है. यूजुअली ये बोला जाता है कि जो भी आप कर रहे हो, द गुड एंड द बैड कर्मा दैट इज़ बीइंग नोटेड, उसको नोट किया जा रहा है. एंड द थ्योरीज़ हैं वो ये बोलती हैं देर इज़ जो यमराज जी हैं उनके नीचे काम करते हैं उनकी असिस्टेंट चित्रगुप्त, एंड चित्रगुप्त ही यूज टू टेक ऑल दी अकाउंट्स ऑफ योर गुड एंड द बैड कर्मा, एंड एज पर दैट जो है आपका काइंड ऑफ अकाउंट बन रहा है. और उसी अकाउंट के एंड में जब आपकी बैलेंस शीट में लिखा जाएगा कि आपको क्या मिले, आपको मोक्ष मिले, कि आपको जो है गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे कि आपके साथ कैसा कैसा किया जाए. ओके
हाँ हाँ मतलब ये हो गया था कि ऊपर से गिरा दिया। हाँ तो वो काइंड ऑफ थिंग बताते हैं कि एक्चुअली में क्या है कैसे है। अच्छा वो तो देखो वो तो एजिंग जो है रिवर्स हो जाती है, वो तो हम पढ़ेंगे भी, इवन सेनेसेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एजिंग जो है वो कैसे होती है एंड क्या सर्टन टाइप या एज हमारी आती है जब हमारे हार्मोन्स। अभी देखिए आपको देखने को मिलेगा 30+ में ग्रे हेयर्स होते थे, अभी आपको देखने को मिलेगा 20s की एज में भी बच्चों के हो रहे हैं, इवन उससे पहले भी हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इंस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी जो इससे पहले होते हैं ना वो तो आपको एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे, बट 20+ में अभी ग्रे हेयर होने लगे हैं, ये काइंड ऑफ एजिंग की वजह से हो रहा है। सो वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी हमारा द काइंड ऑफ थिंग रहने वाला है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेज को उठाएंगे, ये आपने पूरा बना लिया है, ये इसी तरीके से रहेगा। एक बार और विजुअलाइज कर लीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, मोक्ष, और मोक्ष से लाइन बना देनी है बीच में, रिबर्थ कब, और ये जरूर लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा डायग्राम। सो इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर ड्यूटीज, इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर धर्मा, सो देन अगेन आप रीबर्थ के साइकिल में आ जाओगे वापस से, फिर ये सब कुछ होना होगा, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है द फर्स्ट वन, ब्रह्मचर्या। ओके सो अगर मैं आप सबको चांस दूं दैट कि आपका अभी डेथ होके अभी रीबर्थ होगा और आपसे चॉइस पूछूं कि कहाँ किसके घर में आपने रीबर्थ जो है या किस लाइफ में आपने एज अ क्या आपने एज अ बॉय आपने नेक्स्ट बर्थ लेना है कि एज अ गर्ल ही बर्थ लेना है, तो वो आप मुझे बताइए आपका चॉइस क्या रहेगा। हाँ जी ऑनलाइन में सभी बताएंगे, ऑनेस्टली होना चाहिए। हाँ जी हम स्टार्ट करेंगे आकांक्षा से, एज अ गर्ल ही लेना है, और कहाँ लेना है, अपनी फैमिली में लेना है। ओके हाँ जी अच्छा मतलब आपको कहीं अच्छे वाले एरिया में जो है। हाँ जी प्रभजोत, अपनी फैमिली में। ओके अपनी एज अ गर्ल। ओके नहीं, आप चाहते हो कि कुछ कुछ को होता है ना ऐसे लाइफ आपने जीनी है। हाँ जी एज अ बॉय ही। हाँ जी और कहाँ, मीन्स ओके गुड। हाँ जी सुमोना एज अ गर्ल ही। ओके तो मतलब आप सबको रीबर्थ देने का कोई फायदा है नहीं। हाँ जी रोहित सेटिस्फाइड हो, रीबर्थ चाहिए ही नहीं मोक्षा चाहिए। ओके इनको तो मोक्षा चाहिए। हाँ जी मोक्ष के बाद आप ये साइकिल से हट जाते हो और आपका जो सोल है वो सोल जो है अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंच जाता है, मींस सोल अगेन बॉडी फॉर्म नहीं करेगा, इट इज़ कंसीडर एज कि आपका सोल जो है काइंड ऑफ गॉड के नियर या आपका सोल एटर्नल। हाँ सो बिकॉज हमें अपने काइंड ऑफ जो भी हमारे कर्मा हैं उनको फुलफिल करना है, हमारी लाइफ में जो भी हमारे काइंड ऑफ ऋण है काइंड ऑफ ड्यूटीज हैं वो सब हमें फॉलो करनी है। अब इस लाइफ में आपके कितनी सभी ओब्लिगेशंस होंगे जो आप नहीं फुलफिल कर पाए हो, तो काइंड ऑफ वो ओब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए आपको नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा, नेक्स्ट वो सब चीज़ें आपने करनी पड़ेगी। मुझे बताइए ये क्यों बोला जाता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं इस वजह से आपको ऐसी लाइफ मिली है, या आपने बुरे कर्म किए थे क्या लास्ट अपने लाइफ में तो आपको ऐसे काइंड ऑफ लाइफ देखने को मिल रही है, सो इस वजह से। देखो द काइंड ऑफ थिंग की वो होगा आपका एस्केप हो पाना। मुझे ये बताइएगा अगर भगवान खुद से इतना काइंड ऑफ वो कर पाते तो हमें लाइफ के साइकिल और हमें लाइफ के लर्निंग सिखाने के लिए वो अपने इनकारनेशन नहीं लेकर आते,
सो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में देखें, हाँ आपको इंक्लिनेशन हिंदू स्क्रिप्चर्स की तरफ देखने को मिलेगा, तो जो भगवान कृष्ण हैं 14 ईयर्स उन्होंने लिए थे, 14 ईयर्स किस लिए? अपने पेरेंट्स को जेल से छुड़वाने के लिए, आफ्टर हिज बर्थ 14 ईयर्स उन्होंने लिए. क्यों उन्होंने 14 ईयर्स लिए? बिकॉज इससे पहले जो त्रेता युग था उसमें भगवान राम ने 14 डेज वनवास में जो है बिताए थे, द काइंड ऑफ हार्डशिप में उन्होंने बिताए थे. इसी वजह से वही चीज़ दिखाने के लिए, मतलब लोगों को सिखाने के लिए कि जिस टाइप का कर्म आप करते हो उसी टाइप की चीज़ें जो है नेक्स्ट बर्थ में आपको जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है. ये क्यों ज़रूरी है? सो दैट कि कोई भी लाइफ में गलतियाँ ना करें या कोई बुरा काम ना करें. अब मुझे बताइए, आप जो है किसी के साथ अगर कुछ बुरा करते हो तो क्या आपको मन में फील होता है कि नहीं? अगर सपोज आपने कर दिया या आपसे हो गया तो आपको बुरा फील होगा कि नहीं? एक पॉइंट आएगा, फर्स्ट टाइम आपको बुरा फील हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आपको बुरा फील नहीं होगा. ये भी जो है इम्पेरेटिव होता है. अब अगर हम एक नॉर्मल फॉर्म में बात करें, द थिंग इज दैट कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन वो अपने कर्मा से एसोसिएटेड, मीन्स ये बोला जाता है कि आपकी किस्मत में लिखा होगा इसीलिए ये हो रहा है. सो अगर आपने भगवत गीता आप में से किस किस ने पढ़ी है? ओके, हाँ जी, अंश मेरे को बताइए, भगवत गीता में जो श्री कृष्ण हैं वो ये बोलते हैं ना अर्जुन को कि आपको ये लगता है कि ये आप कर रहे हो, बट ये आप नहीं कर रहे हो, ये तो मैं कर रहा हूँ, या ये जो सब हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है. सो अगर सब कुछ भगवान कर रहे होते, सब कुछ इतना ईजी होता, सब कुछ ऐसे ही हो जाता, तो फिर द काइंड ऑफ इतनी हार्डशिप्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हाँ देखो, द काइंड ऑफ जीव हत्या इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? एग्जैक्टली, अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो उसको तो नहीं, अगर आप जानबूझकर जस्टिफिकेशन बना रहे हो फिर वो नहीं होगा. अगर आप जानबूझकर जस्टिफिकेशन बना रहे हो तब वो काइंड ऑफ सीन ही माना जाएगा. जैसे आपके माइंड में वो होगा कि कुछ कुछ ये बोल देते हैं हमने अपने धर्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल ओनर किलिंग का केस, ओनर किलिंग में वो बोल देते हैं कि अपने ओनर को बचाने के लिए, अपने पेरेंट्स की काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल बॉय बोल देता है कि मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत बचाने के लिए आई एम द बॉय, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ एंड दैट्स माई धर्मा, एंड अपने धर्म को फुलफिल करने के लिए मैंने उनको किल किया है, या द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द ओनर किलिंग. तो वहाँ वो जस्टिफिकेशन बना रहे हैं, वो जस्टिफिकेशन है नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल सम यूज टू से क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म ये है दैट इफ़ यू लाइक द गर्ल देन आपको इलोप कर जाना चाहिए, या आपको द काइंड ऑफ पुराने टाइम पीरियड में जो किंग होते थे वो करते थे, वो ये शो करते हैं क्षत्रिय धर्म ये है, तो दे आर जस्टिफाइंग देयर एक्ट एज पर देयर धर्मा. सो इन दिस टाइम पीरियड आपको ट्रू डेफिनेशन ऑफ द धर्मा नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. अब जो आपका क्वेश्चन है कि मैम जब भगवान इतना ही अच्छा है तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाना चाहिए, सो अब अगर सब कुछ ही अच्छा अच्छा हो जाएगा तो लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या बच जाएगा? सो आप ये चाहते हो कि लाइफ हो ही ना. हाँ, वो हो सकता है धर्म, बट अगर मैं बोलूँ आज के टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम पीरियड में धर्म का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन बच नहीं गया है. All the people they used to like turn the definition as per their own convenience. तो वही वो कर लेते हैं. अभी आप recent में अभी केस तो आपने देखा ही है जो नूह में और जो गुरुग्राम में चल रहा है वो आपने देखा ही होगा. वो स्टार्ट कैसे हुआ था? वो प्रोसेशन से ही हुआ था, एथनोसेंट्रिक व्यू की वजह से हुआ था. सो एक ने उनके ऊपर स्टोन जो है वो थ्रो किए, दूसरे ने फिर आके रिटेलिएट किया, और उस तरीके से ये पूरा का पूरा सीन चल रहा है. नहीं नहीं, अरे अभिषेक को तो सुनिए, अभिषेक का क्या जानना चाहते हैं. अभिषेक इज आस्किंग, गरुड़ पुराण भी है क्या सिलेबस में? अरे सही है सफू, सही है. एग्जैक्टली, योगेश्वरी इज आस्किंग कि रियल धर्म का मतलब तो कर्तव्य होता है. कर्तव्य कैसा? स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे. अब हमें पता चलेगा एक्चुअली में कि किसका क्या कर्तव्य होता है. सो द स्टेज ऑफ द ब्रह्मचर्या, इट इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ लर्न.
इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ लर्न. हाँ जी, अभी आप इसको लिखते चलिएगा. अब ये जो ब्रह्मचर्या स्टेज है, ये एक प्रैक्टिस से स्टार्ट होती है एंड दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज द उपानयन. ठीक है, उपानयन प्रैक्टिस क्या है? उपानयन प्रैक्टिस इज दैट जिसमें द चाइल्ड जो है वो अपने गुरु के अंडर आएगा एंड गुरु उसको काइंड ऑफ उपानयन विच इज कॉल्ड एज अ सेक्रेड थ्रेड. ठीक है, वो सेक्रेड थ्रेड जो है वो उस पर्सन को देगा. ठीक है, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं. अब यह जो सेक्रेड थ्रेड है वो क्या होगा? वो होगा अ काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बनाया हुआ एक नियम जिसके बेसिस पर चाइल्ड है वो उसको फॉलो करेगा. अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? दैट फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस चाइल्ड मीन्स जिसने उपानयन अपनी विधि करवाई है एंड जो गुरु के अंडर आया है, दैट पर्सन फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो काम में इंडल्ज नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वो पर्सन जो है काइंड ऑफ अपना कंप्लीट टाइम पीरियड नॉलेज गेनिंग के लिए लगाएगा. वो पर्सन क्या करेगा? उस पर्सन को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना होगा एंड उसको काइंड ऑफ योग आसन एंड काइंड ऑफ कि सूर्य नमस्कार या उस टाइप का एक पूजा करना होगा. मीन्स ये उसका डेली का होगा. अब आप मुझे ये बताइए, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि नहीं कि 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, रात में इतना लेट सो रहे हैं? बट इस पर्सन को जिसने कि सेक्रेट थ्रेड उपानयन या जनेऊ धारण किया है, वो अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उसको उठना होगा और उसको जो है अपने काम जो है वो अपने पूरे, क्योंकि ये बोला जाता है द पर्सन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस पर्सन का माइंड प्रॉपर वर्किंग करता है एंड वो पर्सन जो है काइंड ऑफ इतनी उसके अंदर पावर आ जाती है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट कॉल्ड एज रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या और कैसे बनता है. इसी के साथ साथ ये पर्सन जो है वो क्या करेगा? वो नॉनवेज, किसी भी तरीके का बासी खाना और काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट बेस्ड थिंग्स से दूर रहेगा. सो दीज आर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द सेक्रेट थ्रेड. आज के टाइम पीरियड में भी बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे कि जो ये सेक्रेट थ्रेड या ये उपानयन विधि करवा कर रखते हैं और वो क्या करते हैं, इसको कान पे रखते हैं एंड देन नॉन वेज खा लेते हैं. ठीक है, हाँ जी, यही एग्जैक्टली. चेंज तो वो इसीलिए करते हैं ना कि ये थ्रेड है एक तरीके का. सो फॉर एग्जांपल आप पूजा करते हो, हाँ ये ऐसे नहीं, इसको ना तो देखो नॉर्मली शादी से पहले वाला क्या है, संवर्तना उसको बोलते हैं. ठीक है, उसको संवर्तना बोलते हैं. वो भी देखो अभी नॉर्मली क्या होता है ना, ये जो धागे होते हैं रक्षा सूत्र इसको बोलते हैं. काइंड ऑफ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड आया था जिसमें इसको फैशन बना दिया गया था दैट कि हाथ में पहना हुआ अच्छा लगता है. नहीं नहीं, मतलब क्या है कि इसको एक बार फैशन बना दिया गया था बट इसको पहनने के अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. जब ये बंधवाते हो तो आपको ये किसी पंडित से बंधवाना चाहिए, आपके हाथ में कुछ होना चाहिए. जब वो मंत्र उच्चारण करते हैं उसके बाद वो ये बांधते हैं तो ये रक्षा सूत्र का काम करता है. ठीक है, ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन. एग्जैक्टली, कि आपने ये चीज़ें करनी है. तो अब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग. अब कुछ ऐसे भी है जो घर में खुद से ही बांध लेते हैं क्योंकि हाथ में अच्छा लग रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके बेसिस पर हम अपने जो भी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज कर लेते हैं बट अंडर द ब्रह्मचर्या. अब इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि आपने उपानयन, ठीक है, इसको आपने याद रखना है क्या है, उपानयन. ब्रह्मचर्या स्टेज किससे स्टार्ट हुई है? उपानयन से. उपानयन मीन्स सेक्रेट थ्रेड जो है उसको पहनना. और ये सेक्रेट थ्रेड पहनना का मतलब क्या है, यू आर अंडर द परव्यू ऑफ सम सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच यू हैव टू फॉलो. अब फिर ये बोला जाता है कि ब्रह्मचर्या स्टेज में, अगर ब्रह्मचर्या स्टेज में आप जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कॉन्टिन्यूस 12 ईयर्स तक फुलफिल कर लो. फुलफिल 12 ईयर्स का मतलब ये नहीं सिर्फ कि आप काम में इंडल्ज नहीं होते हो, इट मींस दैट कि आप उन सब रिलेटेड प्रैक्टिसेस में,
आप काइंड ऑफ सुबह जल्दी उठ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है द काइंड ऑफ अपने यूजुअली बोला जाता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, जिसको माइंडफुलनेस भी बोली जाती है। अभी आज के टाइम पीरियड में सपोज करो हम कुछ पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड कहीं और चला जाता है। इवन आपको क्लास में भी फील होता होगा कि आपका माइंड कहीं और चला गया, क्यों? क्योंकि आपका माइंड फुलनेस नहीं है। जब माइंड फुलनेस होती है तो उसमें खाली जगह नहीं होती है, तो वो इधर उधर नहीं दौड़ता है। तो माइंड फुलनेस इट इज कॉल्ड एज द एपिटोम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर ब्रह्मचर्या स्टेज में इसको 12 इयर्स तक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर लिया, देन एक स्पेशल नर्व जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसको मेधा नड़ी बोलते हैं। एंड ये काइंड ऑफ एपिटोम इसको बोला जाता है कि इसके बाद आपको बहुत हाई क्लास मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलेटेड टू दिस स्टेज। इवन आपने देखा होगा यूपीएससी जर्नी में देर आर सो मैनी थिंग्स, जो कि यूट्यूब पे भी देर आर सो मैनी पर्सन जो ये रिकमेंड करते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए अगर आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना है। अगर आप वाई बिकॉज इस टाइप की चीज़ें आपका माइंडफुलनेस की तरफ लेकर जाती है। फाइन, ओके। सो इस पर्टिकुलर स्टेज में आपका मेजर वर्क जो है या मेजर टाइम है वो नेचर के साथ और नेचर से कनेक्ट होके। वाई? बिकॉज नेचर इज द ओनली थिंग विच विल प्रोवाइड यू द पीस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसी भी तरीके का घर का इन्वायरमेंट भी आपको पीस नहीं दे सकता है जो आपको नेचर दे सकता है। एंड द काइंड ऑफ मेंटल पीस जो आपको अलोन अकेला रहकर जो है इस तरीके के प्रैक्टिसेस में मिल सकती है। यू कैन गेट द हैप्पीनेस विद योर फैमिली, विद योर सोशल रिलेशंस, बट इंटरनल पीस आपको ओनली एंड ओनली नेचर के साथ अलोन रहकर ही देखने को मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ द ब्रह्मचर्या। हाँ, इट इज कंसिडर। इवन इट इज ऑल्सो बींग सेड दैट कि 21 21 21, कि 20 डेज में आप अपनी कोई भी हैबिट को चेंज कर सकते हो। कि अगर देखो द थिंग इज दैट कि समटाइम्स, अब मान लीजिए आप रात को लेट सोने वाले पर्सन थे, अभी सुबह 8 बजे क्लास हो गई है, क्लास लेनी पड़ेगी तो आपको आना ही पड़ेगा। अब द काइंड ऑफ यही हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। संडे को भी आपका 6 बजे आँख खुल जाता है ना। तो दिस इज समथिंग की अभी हैबिट बन गई है। सो दिस इज ऑल्सो, ओके, ब्रह्म प्रकाश। हाँ, देखो आप सबको तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट हाँ आपने मेरे को बोला है तो आई वुड ऑल्सो स्टडी। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने नॉलेज नहीं बढ़ानी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने तो सिलेबस में जितना वो करके आपने साइड हट जाना है। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश बाय महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर स्टेज में वो कहाँ रहते हैं? वो गुरु की हर्मिटेज में जो है रहते हैं, और इस वजह से वो वर्ल्डली लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं। और थ्री टाइप्स ऑफ धर्मा उनको फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से? गुरु धर्मा, गुरु माता धर्मा एंड सखा धर्मा। ये तीन जो है धर्मा उन्होंने फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इज इट ओके? अब जब वो अपनी ब्रह्मचर्या स्टेज से निकलते हैं, एंड तब जब काइंड ऑफ गुरु दक्षिणा, ठीक है, हाँ जी, मैं ये भी बता देती हूँ मेरी गुरु दक्षिणा क्या होगी। 360 प्लस जो है मार्क्स, वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अब उसको अचीव करने में आप 1 साल लेते हो, कि 2 साल लेते हो, कि 3 साल लेते हो, इट डजेंट मैटर। और ये जर्नी है भी ऐसी ही, बट द काइंड ऑफ ये गुरु दक्षिणा दे ज़रूर देना। और उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग द 360 प्लस वाला, आकर बढ़िया वाली प्रमोशनल वीडियो जो है वो आप बनाना। सो वो होगी मेरी गुरु दक्षिणा, जो आपका गुरु धर्मा जो मेरी तरफ होगा। ओके, अरे सफ़ू इज बेसिकली रिलेटेड टू दी इस्लाम। ठीक है, उनका मुस्लिम रिलीजन है। एंड शी इज सेइंग कि माई फैमिली इज़ लिसनिंग, कि कोई इसको गीता पढ़ा रहा है, कहीं कन्वर्जन तो नहीं चल रहा, नज़र रखे हुए हैं। देखो सफ़ू, मैंने पहले ही बोला था एक एकेडमिक पर्पस से इसको लेना है, जितना करा है उतना लिखना है और लिख के अपना साइड हो जाना है। फैमिली में कौन सुनता है क्लास? अरे नहीं, अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया तो आवाज़ तो जाएगी ना बाहर।
ओके डन डन अभिषेक। अच्छा अरे नवीन बोल रहे हैं मैम एम जी नरेगा में से भी तो कुछ आपको हिस्सा देना है, तो वो भी गुरु दक्षिणा ही होगा। ओके सो जब एंटर करते हैं इन द गृहस्थ आश्रम, तो तब आपने अपना वो लाइफ वहाँ ब्रह्मचर्या वाला एंड करके जाना होता है, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ संवर्तना। जैसे आप अ काइंड ऑफ सेक्रेड रिचुअल करने के बाद आप एंटर किए थे ब्रह्मचर्या में, ऐसे ही सेक्रेड रिचुअल्स जो हैं वो करके आप एंटर करते हो इन द स्टेज ऑफ द संवर्तना। ठीक है, संवर्तना के थ्रू इन द स्टेज ऑफ द गृहस्थ आश्रम। तो इसमें दे हैव टू फुलफिल देयर गुरुधर्मा, मीन्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो जो गुरु होते थे वो काइंड ऑफ फ्री सर्विस डोनेशन के ऊपर बेस होते थे, और वही पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर बर्न करते थे रिलेटेड टू दी उनका खाने का रहने का सब कुछ। उसके बाद जो बड़े बड़े किंग होते थे वो क्या करते थे, जब अपने चाइल्ड को लेकर जाते थे वहाँ से, तो तब वो उनको गुरु दक्षिणा के फॉर्मेट में जो है कुछ भी काइंड ऑफ डोनेशन देते थे। अब ये बोला जाता है देयर आर फोर वर्णास। फोर वर्णास कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये फोर वर्ण हैं। अब अर्लियर टाइम पीरियड में जो शूद्र थे दे कंसीडर एज कट ऑफ फ्रॉम दीज, कि वो काइंड ऑफ ब्रह्मचर्या स्टेजेस ये नहीं कर सकते। अब ये बोला जाता है कि जितना अपर आपका वर्ण होगा, सपोज करो आप ब्राह्मीण जो है वर्ण से आप बिलोंग करते हो, तो उतनी ही स्ट्रिक्ट आपके लिए ब्रह्मचर्या के रूल्स होंगे। जितना सपोज करो आप क्षत्रिय हो तो उतना ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए रहेंगे ब्रह्मचर्या स्टेज में। तो जितना लग्जरी लाइफ, जितना कंफर्टेबल लाइफ आपका आफ्टर रहेगा, उतना ही स्ट्रिक्टनेस आपके साथ अंडर द ब्रह्मचर्या स्टेज फॉलो की जाएगी। अगर आपने नॉन फिक्शन सीरियल्स लाइक पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अगर आपने ये सीरियल देखे हुए हो ना, तो इन सीरियल्स में प्रॉपर ये गुरु हर्मिटेज वाला और प्रॉपर ये ब्रह्मचर्या वाला दिखाया जाता है। और उसमें ये दिखाया जाता है कि जो उनके गुरु होते थे ना, वो उनके साथ बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि ये आने वाले टाइम में किंग बनने वाला है, तो इसको बहुत ज़्यादा मेरे को लाइक स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे वाले जो है पैमाने पर इसको जो है काइंड ऑफ ट्रेन करना पड़ेगा। सो वो रिलेटेड थिंग होती थी। इज इट ओके? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द संवर्तना। चलिए अब आप लिख लीजिए। हाँ जी, एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जशनदीप का। शी इज आस्किंग कि मैम गर्ल्स क्यों इंक्लूड नहीं है इस पूरे सर्कल में। हाँ जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, देन आई वुड आंसर। ओके हाँ जी, नहीं पता, कुछ अगर आप सजेस्ट कर पाओ। हाँ जी रोहित, व्हाई गर्ल्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस? हाँ जी, मतलब जो भी स्टेजेस बोली गई हैं, दीज आर मेल, मतलब मेल सेंट्रिक है ना, हाँ, तो वैसे फीमेल सेंट्रिक क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, अर्लियर सभा समिति मीन्स वुमेन को क्या कंसिडर किया जाता, जो ये बोला जाता था दैट कि अर्लियर टाइम पीरियड में कि एक जो मेल पर्सन है वो उसको ही कंप्लीट मीन्स पूजा और सब कुछ चीज़ें करनी है, और जो उसकी फीमेल है मीन्स उसकी जो वाइफ है वो उसके लिए वो सारी प्रैक्टिसेस करके देती है कि अभी आपको ये चाहिए वो चाहिए, मीन्स वो काइंड ऑफ सर्विस देती है। और इस वजह से उसको माना जाता है कि यूजुअली आपने देखा होगा हर एक पूजा में कर्ता मेल होता है, फीमेल को उसको ऐसे हाथ लगा लेना होता है। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें की जाएगी मेल के थ्रू एंड फीमेल उसका हाफ पार्ट ले लेगी, मीन्स कि सारे के सारे द काइंड ऑफ दुख दर्द समथिंग ऑल रिलेटेड थिंग्स वो मेल कनेक्टेड है एंड फीमेल उसमें हाफ का पार्ट बनती है। सो ये कंसीडर किया जाता था। अब अगर अब के फॉर्मेट में हम बात करें तो अब काइंड ऑफ इक्वल स्टेटस हुआ है, इस वजह से बोला जाता है जो आपके ड्यूटीज़ हैं वो आपकी हैं, जो मेल की ड्यूटीज़ हैं वो मेल की हैं। सो इस फॉर्मेट में ये किया जाता है। हम अर्लियर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये मेल सेंट्रिक होगा और हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फाइन, ओके, मतलब देयर आर सम थिंग्स जिनमें वी कैन नॉट आस्क फॉर द जस्टिफिकेशन, इट इज़ एज इट इज़, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। सो लिख दीजिए, दिस स्टेज बिगिन्स विथ उपानयन। This begins with Upanayan.
नेक्स्ट लिखिए, ऐसे बुलेट पॉइंट बनाते जाइएगा. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सिंपल लिविंग. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सिंपल लिविंग. अब्रह्मचारी, हाँ जी इसी में, अब्रह्मचारी शुड फॉलो ओनली धर्म. अब वो धर्मा क्या क्या है? ओनली धर्मा, उनको सिर्फ धर्मा ही फॉलो करना है. और धर्मा क्या और किस किस टाइप का लिख दीजिएगा? गुरु धर्मा, गुरु माता धर्मा एंड सखा धर्मा. देखिए उपानयन इसी में उपानयन which is considered as second birth which is considered as second birth comes with certain strict rules and regulations. Strict rules and regulations. कि ये कुछ certain rules and regulations के साथ आती थी. And वो rules and regulations क्या थे? Like eating only the veg food और विदाउट एनी एंटरटेनमेंट रहना. अब उसमें क्या होता था, उपानयन में क्या क्या है वो आपके नोट्स में अवेलेबल है, मैंने बता दिया है, मैं लिखवाऊंगी नहीं. क्या होता था कि उनको डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स जो हैं वो पहनने होते थे. अब जितना अपर आपका काइंड ऑफ वर्णा रहेगा वैसे ही टाइप्स के क्लोथ्स आप जो है वियर करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्राह्मीन, सो ब्राह्मीन जो है वो हेम्पन क्लोथ पहनते थे. हेम्पन क्लोथ जो है काइंड ऑफ, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फैब्रिक, सर्टन फैब्रिक. सो दिस इज द हेम्पन क्लोथ, कि ये उनको पहनना होता था. ठीक है, अब जो द काइंड ऑफ क्षत्रियाज होते थे उनको सिल्क क्लोथ जो है वो पहनने को देते थे. अगर आपने महाभारत या देखा होगा तो उनमें वो सिल्क पहनकर रखते थे ना, तो वो सिल्क क्लोथ जो है वो पहनकर रख सकते थे. सो इस तरीके से कैटेगरीज होती थी. जो क्षत्रियाज हैं अंडर देयर हेरमिटेज उनको काइंड ऑफ की वॉरियर टाइप ऑफ ट्रेनिंग दी जाएगी. अगर कोई ब्राह्मीन है तो उनको लिटरेचर बेस्ड नॉलेज दी जाएगी. सो ऐसे टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज बेस होता था. ओके चलिए, ये इसी के साथ आपका जो ब्रह्मचर्य या लर्न स्टेज है वो आपका कंप्लीट हो जाता है. देन हम एंटर कर जाते हैं सेकेंड स्टेज में, विच इज कॉल्ड एज गृहस्थाश्रम. विच इज कॉल्ड एज द गृहस्थाश्रम. ओके सो अभिषेक इज आस्किंग कि मैम संवर्तना सेरेमनी क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ सेरेमनी, फेयरवेल पार्टी बोल दीजिए इसको. ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फेयरवेल पार्टी. सो ब्रह्मचर्या स्टेज से आप अपने सब धर्मा को फुलफिल कर आप जा रहे हो. आपकी कंप्लीट नॉलेज बेस वो कंप्लीट हो चुका है एंड आप नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेज में एंटर करने जा रहे हो. तो उस स्टेज में जो काइंड ऑफ सेरेमनी होती थी जिसके थ्रू मंत्रोच्चारण और ये करके कि आपको अब आपके ब्रह्मचर्या रोल से आपको फुलफिल किया जा रहा है, मतलब कि आप वो कंप्लीट कर चुके हो, उससे आपको रिलीफ दी जा रही है और अब एक्चुअली आप मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेज मीन्स गृहस्थ आश्रम में एंटर कर सकते हो. तो वो जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज द संवर्तना. ओके सो संवर्तना स्टेज में बेसिकली इस स्टेज को क्या बोला जाता है, गृहस्थ आश्रम को क्या बोला जाता है, लिख लीजिए अर्न.
कि इसका मतलब क्या है अर्न. सो इसमें आपको अर्न करना है. इसमें अर्न करना है मींस कि यहां पर मेजर फोकस होगा अबाउट द मटेरियल पोजेशन. सो लिख दीजिए आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रह्मचर्या एंड रीचिंग होम बैक ए रिचुअल बाथ इज परफॉर्म्ड विच शोज the completion of brahmacharya. ठीक है. सो अब डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट व्यूज होंगे अबाउट दिस स्टेज. सम यूज टू से कि दिस स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज. व्हाई? बिकॉज आगे लाइफ की कॉन्टिन्यूटी इसी स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है. क्योंकि और कोई स्टेज जो है वो सोशल रिलेशन के लिए आपको नहीं बोलती है. दिस इज द ओनली स्टेज जो आपको सोशल रिलेशन के लिए बोल रही है. सो नेक्स्ट आप लिख दीजिए टाइप ऑफ गृहस्थास. ठीक है. सो लिखिए द फर्स्ट वन धर्मशास्त्रास. धर्मशास्त्रास मीन्स कि ये क्या और किस बेसिस पे जो फैमिलीज है. देखो इस स्टेज पे फैमिलीज बनेगी तो वो कैसे फैमिली को जो है डिवाइड करते हैं. तो लिखिए धर्मशास्त्रास डिवाइड हाउसहोल्ड इनटू टू. फर्स्ट वन इज द सलीना. नेक्स्ट वन इज द ययावरा. सलीना एंड ययावरा. सलीना का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जिसके पास बड़ा घर हो, गाड़ियाँ हो. तो उस टाइम पे गाड़ियाँ तो होती नहीं थी. उस टाइम पे गाड़ियों की जगह पर क्या माना जाता था? इफ दे हैव द कैटल्स. ठीक है, अगर उनके पास कैटल्स हैं, उनके पास बड़ा घर है, उनके पास सर्वेंट है सर्विस करने के लिए, तो क्या माना जाएगा? दे आर सलीनास. और अगर उनके पास ये सब नहीं है तो ये माना जाएगा ययावरास. ठीक है. सो आप सलीना में लिख दीजिए वन हु हैज big house, servants, cattles, wealth and accumulate this wealth for future. So these are called as what? Salina. Next likhiye Yayavara. The person who does not accumulate wealth but consumes are called Yayavaras.
ओके सो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ द गृहस्थास. अब गृहस्थास जो हैं उसमें देर इज वन मोर. अभी ये हमने धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग करी है, अब हम दूसरा देख लेते हैं. अब मनुस्मृति तो आपने सुना ही होगा, हमारे पास एक और स्मृति है विच इज कॉल्ड एज द यजनावल्क्य. अब ये यजनावल्क्य जो स्मृति है ये क्या बोलती है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके वर्णास के अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ के बारे में बोलती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बिलोंग टू दी ब्राह्मीण तो अब आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ ये हैं दैट कि आपको नॉलेज बेस बढ़ाना है और आप सबसे गिफ्ट रिसीव कर सकते हो. बोला जाता है ना कि ब्राह्मीण जो हैं वो गिफ्ट रिसीव, ब्राह्मीण का ये कर्म बोला गया है दैट ही हैव टू लाइक मतलब ही हैज़ टू एक्सेप्ट द गिफ्ट जो भी आप उनको दे रहे हो. और मीन्स उनका ये काइंड ऑफ एक वर्क भी है कि कोई भी, और इस वजह से आपने देखा होगा कि जब भी पूजा पाठ या कुछ भी होता है तो जो पंडित होता है वो खुद से ही बोलता है कि अभी जो है आप वचन लीजिए या अभी संकल्प करिए, हाथ में थोड़ी दक्षिणा लेकर संकल्प कर लीजिए. सो मीन्स व्हाट कि वो एग्जैक्टली लायबल है इन पर्टिकुलर थिंग्स के लिए. वो बोल देता है कि संकल्प आपको लेना है तो काइंड ऑफ दक्षिणा आपको रखनी पड़ेगी. सो इसी तरीके से यजनावल्क्य स्मृति जो है उन्होंने भी बोला है कि हमारे पास कुछ कुछ काइंड ऑफ द काइंड ऑफ बेसिक की वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग आपको किन किन एक्टिविटीज़ को फुलफिल करना चाहिए वो है. तो उसमें आपका आ जाता है वर्णाज के अकॉर्डिंग जो जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हो. ठीक है, सो ये लिखेंगे नहीं हम, बट आपके नोट्स में मैंने दिया हुआ है तो आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर लेना. उसके बाद हाँ जी आप लिख लीजिए, लिखिए ड्यूटीज ऑफ गृहस्थ आश्रम. मतलब दो टाइप है, एक एज टोल्ड बाय द धर्मशास्त्र एंड दूसरा बाय द यजनावल्क्य स्मृति. सो आपको एक ही मेंशन करना है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा आपको कि टाइप लिखिए, आपने एक ही मेंशन करना है. फाइन, सो आपके नोट्स में मेंशन है तो उसमें से आप एक टिक कर लेना कि जो आपको करना है. नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे ड्यूटीज ऑफ गृहस्थाश. सो गृहस्था जो हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनके बेसिस पे हम देखेंगे. सो सबसे पहले जो ड्यूटी बोली है वो बोली है धर्मशास्त्र ने. ठीक है, सो लिखिए, हेडिंग बना दीजिएगा ड्यूटीज, एंड ड्यूटीज़ में फर्स्ट वन आ जाता है धर्म शास्त्रास. ड्यूटीज ऑफ गृहस्थ, सो इसमें उनकी थ्री ड्यूटीज आती है कि ये ड्यूटीज उनको फुलफिल करनी पड़ेगी. सबसे पहली रिलेटेड टू देयर वर्क कि जो उनको डेली बेसिस पे करना है विच इज कॉल्ड एज नित्य कर्मा. अब नित्य कर्मा जो है आपका क्या और किस टाइप का होता है? नित्य कर्मा का मतलब होता है आपकी डेली ड्यूटीज. सो देयर आर सर्टन ड्यूटीज विच इज रिलेटेड टू योर बॉडी एज वेल. अब आप मुझे बताइए, आप अपनी बॉडी में मतलब ओवर ईटिंग आप किए जा रहे हो तो काइंड ऑफ एक्सरसाइज करना भी तो आपकी बॉडी के लिए आपका डेली ड्यूटी है कि नहीं? ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज डेली ड्यूटी. नित्य कर्मा के बाद नेक्स्ट आपका सेकंड आता है विच इज कॉल्ड एज नैमित्तिका. नैमित्तिका मीन्स व्हाट कि देयर आर सम ड्यूटीज विच आर बेस्ड अपॉन सम पर्पस. अब आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो इस वजह से, देखो नित्य कर्म तो आपका क्या रहेगा, आपकी बॉडी के लिए जो कि आपको डेली सुबह में करना है. ठीक है, आफ्टर लाइक कि जब आप उठ जाते हो तो उसके बाद नेक्स्ट नैमित्तिका विच इज़ द ड्यूटी बेस्ड अपॉन द पर्पज़. फॉर एग्जाम्पल गृहस्था में
यू वॉन्ट टू अर्न, और अर्न करने के लिए आपको कोई एक काम करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो आपका ड्यूटी है जो कि आपका पर्पज बेस्ड है, आपको करनी पड़ेगी. सो लिख दीजिए ड्यूटी बेस्ड ऑन पर्पज. ड्यूटी बेस्ड ऑन पर्पज. एंड बट देयर आर सम ड्यूटीज एज वेल जो आपको अपने वर्ण के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द काम्या. काम्या मीन्स कि आपको क्या काम करने के लिए भेजा है. अब आज के टाइम पीरियड में आप ये देखोगे कि हर कोई अपने वर्ण के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, किसी भी पर्पज के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, बट उनके वर्ण के अकॉर्डिंग उनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है. जैसे कि ब्राह्मीण, तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें नॉलेज गेन या स्क्रिप्चर बेस्ड जो नॉलेज है वो होनी चाहिए. क्षत्रिया, तो क्षत्रिया को क्या होना चाहिए, क्षत्रिया को काइंड ऑफ धर्मा दैट कि उनको अगर प्रोटेक्शन करने का टाइम आए तो उनको प्रोटेक्शन करनी चाहिए. सो लिख दीजिए ड्यूटीज पेक्यूलर टू वंस ओन वर्णा, कि जो वर्णा से रिलेटेड है. सो एज पर द धर्मशास्त्र देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ कर्मा. हाँ जी, हो गया. ओके, सो दीज आर द ड्यूटीज एज पर द धर्मशास्त्र, बट देयर आर सम ऑफ द ड्यूटीज एज वेल विच इज बींग टोल्ड बाय अस बाय द यजनावल्क्य स्मृति. सो जो यजनावल्क्य स्मृति है उनका मानना क्या है, उनका मानना ये है कि आपको सुबह सूरज के उगने से पहले आपको उठना चाहिए, एंड देन आपको जो है काइंड ऑफ जब मतलब सूरज के उगने से पहले आपको अपना जो बॉडीली आपकी जो कॉल्स हैं उनको लेना चाहिए, एंड देन जब सूरज उगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका टाइमिंग ऐसा होना चाहिए कि आप काइंड ऑफ बाथ के टाइम पीरियड में हो, एंड देन उगते हुए सूरज को आपको जो है पानी देना चाहिए. सो दिस इज समथिंग विच इज टोल्ड बाय द यजनावल्क्य स्मृति. एंड एज पर द यजनावल्क्य स्मृति दे सेड कि आपको फूड ओब्लेशन जो है उसको फुलफिल करना चाहिए. फूड ओब्लेशन जो है ये पर्टिकुलर थिंग क्या है, मीन्स कि देयर इज, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ, साउथ का मैं लेकर आई हूँ. क्यों मैं साउथ का लेकर आई हूँ, क्योंकि उनका एक सर्टन वे है फूड को आपको सर्व करने का. अगर आप कभी भी उनका जो फूड आप देखोगे या उनके कोई भी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें वो एक सर्टन नंबर के थ्रू ही आपको ये सब चीज़ें देते हैं, और इनमें खाने का भी एक सर्टन रूल होता है कि आपको क्या किसके बाद खाना है. सो मतलब हम तो क्या करते हैं, हमें तो जो मन किया वो वैसे खा लेते हैं. इनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि इनको लास्ट में, सबसे लास्ट में राइस खाने होते हैं विद द सांबर, और क्या किस पर्टिकुलर. तो यहाँ यही इस एरिया में ना एक साउथ होटल है, रेस्ट्रो या होटल कुछ है, वहाँ पर साउथ का थाली वो ऑफर करते हैं, और उसमें जो सब उनका जो पूरा स्टाफ है ना वो भी साउथ इंडियन अटायर में ही रहता है. ठीक है, इधर सर्च करना आप, कहीं आपने देखा है कहाँ पे है, मत गए हो आप वहाँ पे, तो आपने देखा उनका वो मतलब उनका पूरा साउथ इंडियन अटायर वो जो है, हाँ पूरा जो साउथ इंडियन अटायर है वो पहन के रखते हैं, एंड वो फूड भी ऐसे ही ऑफर करते हैं. और उनका अपना एक मतलब वहाँ पे आप उनसे पूछ भी सकते हो दैट कि किसके साथ क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए. सो दैट इज़ द पर्टिकुलर थिंग. सो फूड ओब्लेशन का मतलब क्या है, दैट कि आपको फूड, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, एज पर द धर्मा देयर आर सम थिंग्स जो कि निषेध होती है एक के साथ एक खाना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग एनी लाइक इफ यू आर ईटिंग एनी मिल्क प्रोडक्ट, तो उसके साथ आपको क्यूकुम्बर नहीं खाना चाहिए. ठीक है, बट अभी आप देखिएगा कर्ड जो रायता है उसमें क्यूकुम्बर से ही जो है क्यूकुम्बर रायता बनाकर खाते हैं. एग्जैक्टली मीन्स व्हाट, देयर आर अ काइंड ऑफ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, बट समटाइम्स वी नो समटाइम्स वी डोंट.
बट दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो ये स्मृतिज जो है इसमें बताया गया था. इसी के साथ साथ दे यूज टू से कि आप खाना नहीं खा सकते हो जब तक कि आपने वाटर स्प्रिंकल ना किया हो उसके चारों तरफ. ठीक है, इस तरीके से. सो उसी के थ्रू आपको जो है वो खाना खाना है. अब इसके पीछे के दो रीजन जो हैं वो सामने आते हैं, आप दोनों पढ़ लीजिए. स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या आता है एंड लॉजिकल सिग्निफिकेंस इसके पीछे जो है वो क्या आता है. हो गया. सो इट मीन्स दैट कि एज पर द स्मृति दे हैड प्रोवाइडेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस अर्लियर टाइम पीरियड में द पीपल दे डोंट आस्क फॉर द जस्टिफिकेशंस अबाउट द थिंग्स दैट आर बीइंग मेंशन बट नाउ पीपल दे वांट द लॉजिकल रीजन बिहाइंड एवरीथिंग बट इफ यू विल सर्च फॉर द एसेंस यू विल गेट द आंसर फॉर द लॉजिक एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू द यजनावल्क्य स्मृति व्हाट दे सेड दैट कि दीज आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके पूरे डे वाइज होंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना बॉडीली कॉल्स को हैंडल करना है. आफ्टर दैट आपको अपना जो निमित्तिका मीन्स कि आपका जो पर्पज़ है उसको आपको फुलफिल करना है. आपको फूड ओबलेशन करना है. इवन इसमें ये तक बोला गया दैट कि आपको अपने वर्णा के अकॉर्डिंग अपना स्टडी के ऊपर ध्यान देना है एंड उसी लेवल का स्टडी आपको करना है. एंड आफ्टर दैट दे इवन सेड वन मोर थिंग एज पर द यजनावल्क्य स्मृति दे सेड एंड जब आपके नोट्स मिलेंगे उसमें आप लास्ट लाइन भी देखना. दे सेड दैट कि आप कोई भी पर्टिकुलर जब कुकिंग करोगे तो सिर्फ आप खुद के लिए ही खाना नहीं बनाओगे. मीन्स कुकिंग ओनली फॉर योर सेल्फ इज प्रोहिबिटेड एज पर द यजनावल्क्य स्मृति. अब वो हम समझेंगे क्या और किस फॉर्मेट में. अब सपोज देर इज ओनली वन सिंगल पर्सन तो अब वो क्या करे. सबसे पहले ये बोला जाता है कि अगर आप फर्स्ट रोटी बना रहे हो दैट शुड बी फॉर द काउ एंड देन आप अपना बनाओ एंड देन बोला जाता है कि लास्ट जो होती है वो आपको देनी है फॉर द डॉग. लास्ट जो है वो किसी को नहीं खानी होती. अब उसके पीछे अगर कभी पूछोगे तो रीज़न ये मिलेगा कि अगर आप खाओगे तो उससे आपकी जो अकल है वो कम हो जाएगी. इस वजह से ये बोला जाता है. अब दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाए गए थे एज पर द स्मृति सो दैट कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं आप उनका ध्यान रखो. इस वजह से ये और आप उनको फूड ऑफर करो. इस वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं. तो अभी हमने क्या किया है, हमने की हैं ड्यूटीज ऑफ द गृहस्थ. तो हमने दो टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज करी हैं. पहली हमने करी है बाय द धर्मशास्त्र एंड दूसरी हमने करी है बाय यजनावल्क्य स्मृति. धर्मशास्त्र में हमने देखा है क्या कि जो ड्यूटीज हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज नित्या, देन नैमित्तिका एंड देन काम्या. जो नित्या ड्यूटीज हैं दीज आर रिलेटेड टू दी डेली जो आपका वर्क होता है उससे रिलेटेड. नैमित्तिका इज पर्पज बेस्ड एंड काम्या इज द वर्क विच इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एज पर योर वर्णा. तो जो आपके वर्णा के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द थर्ड. नेक्स्ट इज द यजनावल्क्य स्मृति. उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एक सीरीज ऑफ द वर्क बताया है जो आपको पूरे दिन में करना है. फाइन, ओके. सो इसी के साथ आपका जो गृहस्थ है वो आपका कंप्लीट हो जाता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसमें वैल्यूज ऑफ गृहस्थाश्रम. वैल्यूज ऑफ गृहस्थाश्रम वैल्यूज आर कंसर्न्ड विथ थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स धर्म अर्थ एंड काम. धर्म अर्थ एंड काम.
सो दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स. उसमें आपको क्या करना होता है, इन दिस स्टेज आपको करना होता है यजना. यजना मीन्स यज्ञ. और जो यज्ञ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यज्ञ होता है. ठीक है, सो आप लिख लीजिए महायजनाज आर इंक्लूडेड. ठीक है, सो महायजनाज किए जाते हैं. अब मैं जैसे एक नाम बोलती जाऊंगी, आप बताते जाना कि आपको क्या लग रहा है ये यजना किसके लिए किया गया होगा. ठीक है, सो पहला यजना जो है वो किया गया है ब्रह्मा यजना. मतलब एक ब्राह्मीण भी इस यजन को कर सकता है. तो एक ब्राह्मीण कर रहा है ब्रह्मा यजना को, तो फिर वो किसके लिए हो सकता है, क्या बोल रहे आप? उन धर्म धर्म के लिए तो है ही. सो ये होता है ऋषिज के लिए, कि ऋषि जो होते हैं वो बेसिकली करते हैं. तो इसमें लिख दीजिए ऑनरिंग ऋषि. नेक्स्ट आता है पितृयजना. हाँ जी, ये बताइए ये किन के लिए किया जाता होगा. हाँ जी, ऑनलाइन में भी बताइएगा. नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ से आ गया नया, उसमें क्या आएगा? पितृ एंसेस्टर्स के लिए किया जाता है, पितृ के लिए किया जाता है ना. ठीक है, सो दैट्स एंसेस्टर बेस्ड. एंसेस्टर्स के लिए यजना किया जाता है. नेक्स्ट देव यजना, इजी था. गॉड. नेक्स्ट भूता यजना, आत्माओं को पकड़ के लेकर आना है आपको. जब कोई सेक्रीफाइस बेस्ड यज्ञ किया जाता है, जिसमें कि आफ्टर यज्ञ सेक्रीफाइस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द भूत यज्ञ. आपने देखा होगा ना द काइंड ऑफ, कि जिसमें यज्ञ करने के बाद सेक्रीफाइस दिया जाता था. ठीक है, सो ये लिख दीजिए फॉर सेक्रीफाइस. नेक्स्ट लिख दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट लिख दीजिए नृ यज्ञ. ये नहीं गैस कर पाओगे, बट चलो फिर भी मैं देखना चाहती हूँ क्या सोच पाते हो आप. नीर होता है वो, तो नरी नहीं होगा. इसका कैसे आपने, माउंटेन से कैसे आपने जोड़, ये तो नरी है, नरी. हाँ जी रोहित, कुछ गैस नहीं. हाँ जी सुमोना, सुमोना चुपचाप क्यों है, चाय नहीं मिली लगता है आज, पी के आए हो फिर? चीनी कम थी, सब ठीक था. ओके, सो नियजना इट इज़ फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए किया जाता है. सो वही मैंने बोला था, ये आप नहीं गैस कर पाओगे. सो दीज आर द टाइप ऑफ द यजनाज जो कि अंडर द गृहस्था जाप कर सकते हो. मीन्स इज द काइंड ऑफ पूजा जो आपको करनी चाहिए. ठीक है, सो एक बार ये अब मैं समअप कर देती हूँ. हमने किया था फर्स्ट ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य तो काइंड ऑफ सिंपल ही था, उसमें दो ही चीज़ें आई थी, एक उपानयन एक संवर्तना. उपानयन जब एंटर करता है, संवर्तना जब वहाँ से निकलता है. और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ फुलफिल करनी है, द धर्मा एंड द थ्री टाइप्स ऑफ द धर्मा. फाइन, उसके बाद हम आते हैं गृहस्थाश्रम में. गृहस्थाश्रम इट इज़ अ स्टेज जिसमें कि अर्न करने का आता है. तो इसमें तीन मेन एट्रीब्यूट आ जाते हैं, अर्थ, काम एंड द ऋण. ऋण को फुलफिल करने के लिए ही उसको कुछ यजनाज करने पड़ते हैं. यजनाज आपने देख लिया, ब्रह्मा,
द काइंड ऑफ पितृ, देवा, भूता एंड नरियजना. ठीक है, वापस से देख लेंगे. ब्रह्मा, देन पितरी, देन देवा, देन भूता एंड देन नरियजना. और वो किन के लिए है? वो तो आपको एक बार में याद हो ही गए हैं. ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो गृहस्था है वो कई टाइप का होता है. पहला हमने देखा था द फर्स्ट टाइप विच इज एज पर दी धर्मशास्त्र. एंड धर्मशास्त्र ने क्या बोला था? दैट आपके पास टू टाइप के गृहस्थ होते हैं. एक होता है सलीना, दूसरा होता है ययावरा. सलीना आप कैसे याद रखना? सलीना को सलीका है. सलीका है इसीलिए वो उसके पास सब कुछ है और वो उसको एक्यूमुलेट भी करता है ताकि फ्यूचर में भी आराम रहे. और ययावरा क्या है? सब कुछ बहा देता है. ठीक है, सो वो एक्यूमुलेट नहीं करता है, वो सब कुछ बहा देता है. ठीक है, याद हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और वर्ड लिया था, यजना वल्क्य स्मृति. सो ऐसे ही टाइप में भी और ड्यूटीज में भी इन दोनों ने ही बोला है. टाइप में धर्मशास्त्र ने बोल दिया टू टाइप, सलीना ययावरा. एंड देन उसके बाद यजनावल्क्य स्मृति ने बोल दिया कि कौन कौन किस किस टाइप का काम करता है. कि कोई अकेला टीचिंग ही कर सकता है, कोई कोई टीचिंग के साथ साथ गिफ्ट लेने और देने का काम भी कर सकता है, कोई इसके साथ साथ कुछ और मान लीजिए द काइंड ऑफ कि वो यजना में इंडल्ज हो सकता है, गेस्ट को जो है ऑफर कर सकता है. सो इस तरीके के उन्होंने बोले थे. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं ड्यूटीज ऑफ द गृहस्थ, कि गृहस्थ की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. सो पहला हमने किया है एज पर द धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कितनी ड्यूटीज है? थ्री ड्यूटीज. कौन कौन सी? नित्यकर्मा, नमैतिका एंड काम्या. नित्य इज रिलेटेड टू दी डेली, नमैतिका पर्पस, काम्या जो भी वर्णास के अकॉर्डिंग आपका काम बनता है वो आपको करना चाहिए. आफ्टर दैट क्या आता है? यजनावल्क्य स्मृति. एंड उनके अकॉर्डिंग ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज है आपका सुबह से लेकर आपका रात तक का जो भी आपने करना है, जैसे आपने करना है. फूड ओब्लेशन उसमें आ जाएगा, डेली वर्किंग उसमें आ जाएगा. द काइंड ऑफ कि अगर आपको फूड बनाना है तो अलोन खुद के लिए आप नहीं बनाओगे, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं बनाओगे. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड उसके बाद लास्ट में ये आ जाता है जिसमें आता है ब्रह्म यजना, देन पितरी, देन देवा, देन भूता एंड नरियजना. ये आपका आ जाता है. इसी के साथ आपका गृहस्थाश्रम खत्म हो जाता है. ओके, चलिए अब आप लिख दीजिए द थर्ड वन, वानप्रस्थ. ओके, सो अभिषेक इज आस्किंग कि मैम सबसे बेस्ट यजना कौन सा होता है? सबसे बेस्ट यजना जो है अर्लियर टाइम पीरियड में ऋषि वाला माना जाता था, बिकॉज ऋषि ही हैं जो कि आपको नॉलेज जो है वो दे रहे हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका द काइंड ऑफ पितृ यजना जिसको आप अब तक भी कर रहे हो, बाकियों को नहीं किया जाता है. हाँ जी सफू, सिर्फ इसी यूनिट में है? होता है, बिल्कुल होता है, किया जाता है. बट ही इज आस्किंग कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? गेस्ट के लिए नहीं कोई करता है, वो तो ये होता है अतिथि तुम कब जाओगे. हाँ जी, सो नेक्स्ट आ जाता है वानप्रस्था, विच इज द स्टेज ऑफ, लिख लीजिए टर्न, कि जिसमें आपको टर्न करना है. कैसे टर्न करना है? जब आप अपनी सब ड्यूटीज फुलफिल कर चुके हो, इतना आप कर चुके हो कि आप अपनी फैमिली के सारे नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, तब आप इस स्टेज में टर्न कर सकते हो. एज यू कैन सी अभी जब से सबसे इम्पोर्टेंट वानप्रस्था वाला जो माना जाता है, दैट इज अ डेली बिलेनर भनवरलाल दोषी, ही रिनाउंस ऑल एंड वो एक मोंक बन गए थे. एंड उन्होंने ये एक मतलब अपनी लाइफ का काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट है, तो उन्होंने बहुत काइंड ऑफ मास लेवल पे ये जो है प्रैक्टिस किया था. ये मैं शेयर कर दूंगी. आफ्टर दैट देखिए इस तरीके से उन्होंने ये जो है वो किया था कि हाँ जी That person won't achieve the moksha. उस person की क्या गलती है? मे बी उस person के ऊपर, देखो सपोज करो आप अपनी फैमिली को इस लेवल पर छोड़ कर जा रहे हो कि जब उनको आपकी इंडिपेंडेंसी मटेरियल पोजेशन की ज़रूरत है, और आप अपना सिर्फ अपना इंटरनल पीस के लिए आप जो है वानप्रस्था ले लेते हो, तो तब हम नहीं बोलेंगे कि जब आपने अपने पितृ ऋण को फुलफिल नहीं किया है. अच्छा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं. अच्छा आप ये बोल रहे हो कि उस पर्सन की क्या गलती है? देखो वो उस
उसको मोक्ष जो है इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मे बी गॉड नहीं चाहते हैं उनको वो अगेन रीबर्थ के साइकिल में वो उनको ले आएंगे ताकि वो नेक्स्ट जो है फिर से अपना जो है रीबर्थ और अपने मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंड चांस फॉर देम कि वो अगेन उन सब चीज़ों को फुलफिल करेंगे. अब मान लीजिए कोई पर्सन जो है बस उसकी जॉब उस दिन लग बस वो जॉब ज्वाइन करने वाला था और उसकी उसी दिन जो है काइंड ऑफ डेथ हो जाती है और फिर उसकी नेक्स्ट रीबर्थ के साइकिल में आ जाता है बट उसको अपने पुरानी लाइफ का सब कुछ याद रहता है तो उसको कैसा फील होगा कि अब तो मैं इतने ईयर्स पढ़ के गया था अगेन अब फिर से नर्सरी में पढ़ना पड़ेगा उसको कैसा फील होगा. याद वो वाला याद कि ऐसे वाला याद पूरा याद नहीं होता ऐसे होता है कि मेरा नाम ये था मैं पहले ऐसा था मैं मतलब केस बताती हूँ आपको न्यूज़पेपर में भी आया था कि ना तो बेसिकली एक पर्सन जो है वो पहले मेल था एंड वो एक सोल्जर था एंड देन क्या होता है कि उसका काइंड ऑफ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जब वो अपने घर आ रहा होता है एंड उसके बाद वो किसी और विलेज में एज अ गर्ल बर्थ लेता है एंड वो ये बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था मुझे तो गोलियां लगी थी और देखो मेरे स्टमक पे अभी भी गोलियों के निशान हैं. वो फोटोज़ वगैरह न्यूज़पेपर में आई थी ये बताया था एंड देन ही सेड कि अच्छा भला मैं तो एक सोल्जर था अब मेरे को एक लड़की की लाइफ वैसे मिल गई है और अब से दोबारा फिर जॉब के लिए जाना पड़ेगा. ये वही तो मिस्ट्री है कि वो ये शो करता है कि देखो मेरे जो है स्टमक पे ये जो साइन बना हुआ है काइंड ऑफ ब्लैक ये जो है गोली का निशान है जो मुझे लगी थी और वो थ्योरी गलत थी कि ये बोला गया था मैं तो एक्सीडेंट में मारा गया था क्लेम नहीं दिया उन्होंने. सो इस पर्टिकुलर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो शो की गई थी. हाँ जी एग्जैक्टली जूँ ही एग्जैक्टली बट क्या है ना यही यूनिट होगी इसके बाद ये नेक्स्ट यूनिट में हम एंटर करेंगे. नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट सेपरेट टाइप की होगी. ठीक है हाँ जी हो गया ये पढ़ लिया आपने कुछ ने पढ़ा है कुछ ने नहीं पढ़ा है बट हाँ आप इसको पढ़ लेना. मीन्स जस्ट द काइंड ऑफ थिंग कि वो वेल्थ को छोड़कर फिर एक मॉन्क की लाइफ जो है जीने के लिए चले जाते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बोला था इस स्टेज में आप जो है अपनी वाइफ को साथ में लेकर जा सकते हो एंड वो वाइफ जो है सर्विसेज कर सकती है. मीन्स कि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों साथ में वानप्रस्था के लिए जा सकते हैं बट उनकी सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी. उसके बाद उनका सेपरेट ही मीन्स जिस टाइप की एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज होंगे तो उनको उनके हिसाब से मोक्ष मिलेगा उनको उनके हिसाब से. ठीक है चलिए आप लिख दीजिए. हाँ जी लिखिए. ड्यूरिंग दिस पर्सन expected during this period a person expected to move away from worldly matters ki wo jo bhi world ke matters hain unse wo dur ho jayega and get himself ready for his spiritual journey to attain moksha. It is called as stage of retirement. Attain moksha and it is called as stage of ultimate retirement. कि अब आपको क्या करना चाहिए अब आपको जो है retirement ले लेनी चाहिए and after this the basic thing is that कि यहाँ पर आपको कुछ certain rules and regulations follow करने पड़ेंगे. इस stage में भी आपकी social identity रहती है क्योंकि guest आते हैं आपके पास but संन्यास stage में completely जो है वो बिल्कुल रिमेन मीन्स कि आप एज अ सोशल डेथ आपकी हो जाती है. सो अंडर दिस थिंग द पर्सन विल रिमेन चेस्ट. द पर्सन विल रिमेन चेस्ट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ नो फिजिकल
रिलेशनशिप्स. अब नो फिजिकल रिलेशनशिप्स, नॉट लाइक कि बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, मेल एंड फीमेल. नो फिजिकल रिलेशनशिप मीन्स बिटवीन एनी, मान लो ग्रैंड चाइल्ड के साथ, मीन्स कि काइंड ऑफ आप अपनी बॉडी से अदर सोशल लाइफ को अलग करते चले जाओगे. मीन्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब आपने नॉर्मली देखा होगा कि द काइंड ऑफ जो संत और महात्माज बनते हैं, वो एक अपना उनका सर्कल रहता है, वो दूर रहते हैं लोगों से, ठीक है. सो वही सेम जो है वो आपको देखने को मिलेगा. आज वाले संत महात्माओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है. सो नॉर्मल अगर हम कंसिडर करें तो उनको क्या करना होता है, उनको बाकी ह्यूमन बींग से दूर रहना होता है. सो दैट इज़ बेसिकली नो फिजिकल रिलेशनशिप. इवन मतलब फिजिकल है ही तो उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप वो तो आएंगे ही, कि वो भी जो है नहीं कर सकते. उसके बाद नेक्स्ट आप लिख दीजिए द फोर्थ स्टेज, संन्यास, संन्यास आश्रम. हाँ जी देव, अभी आए हो देखिए आप. देव बोल रहा है गुड मॉर्निंग मैम, यूनिट टू का टेस्ट कब होगा. हाँ जी, संन्यास आश्रम में आप लिख दीजिए इट इज कंसिडर एज द स्टेज ऑफ रिटर्न. रिटर्न, हाँ जी लिखिए, दिस इज द फाइनल फेज, दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. This is the final phase of human life during which a person devote his life for moksha and final liberation. अब इस स्टेज में पर्सन कैसा हो जाएगा, नेमलेस, फेसलेस, कंप्लीट सोशल डेथ, नो सोशल रिलेशन. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज रिटर्न, कि आप जहाँ से आए थे वहीं आप जा रहे हो. ओके, सो लिख दीजिए कंसीडर्ड एज सोशल डेथ ऑफ ए पर्सन एंड टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड. ठीक है, ओके. सो सफू इज आस्किंग कि मैम व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस ऑरेंज कलर, means the bhagwa color which is being used in case of the Hinduism. As I have seen most of the monks or the prominent followers usually considered this color as the sacred. So ye jo color hai, this color is considered as an indicator of the renunciation of the worldly or the material possession. Agar aap mein sabne agar Ramayan dekhi ho, तो इन केस ऑफ द रामायण जब वो वनवास के लिए जाते हैं, देन वो क्या पहन रहे होते हैं उस टाइम पे, भगवा कलर पहनते हैं. सो ये जो कलर है ये शो करता है दैट कि आपका डिटैचमेंट है, या फिर आपने जो लग्जरियस या लेविश लाइफ है उसको आपने रिनाउंस कर दिया, उसको आपने छोड़ दिया है. सो दिस कलर इज कंसिडर्ड एज अ इंडिकेटर, एज एन इंडिकेटर ऑफ द डिटैचमेंट. सो दैट्स वाई ये कलर जो है वो लिया जाता है, या यही कलर आपको देखने को मिलेगा. हम्म,
सालवेशन के लिए. मीन्स डिटैच हो चुके हैं हम सब चीज़ों से. अब जब भी हमें मान लीजिए कि काइंड ऑफ सेक्रीफाइस अपने आप को करना होगा, हम रेडी होंगे उसके लिए. ठीक है, हाँ जी. सो दैट्स वाई ये माना जाता है या ये बोला जाता है. सो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट जो है रिटर्न वाला, वो आपका कंप्लीट हो जाता है. अब उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना होगा, विच इज़ रिलेटेड टू दी पुरुषार्थ. सो पुरुषार्थ में हम क्या करने वाले हैं, अंडर द पुरुषार्थ अगेन हम उन्हीं अपने जो अभी हमने किया था ना गृहस्थ आश्रम में, उनको ही कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू, ये आपका इन प्रैक्टिसेस रिलेटेड जो ये है, ये आपका यूनिट 3.1 ही है. 3.2 यूनिट जो है वो आपका सेपरेट रहेगा, मींस कि एक में हम कास्ट सिस्टम के बारे में करेंगे. सो वो आपका सेपरेट सेपरेट, मींस एवरी सिंगल यूनिट का अपना अलग सिग्निफिकेंस है, अपनी अलग इंडिविजुअलिटी है. अब जैसे कि देव को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है अबाउट द आंसर राइटिंग, तो कल जो है हमारी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि रूम की अवेलेबिलिटी नहीं होगी. इस वजह से सिर्फ एंथ्रो की नहीं होगी, इको की तो होने ही वाली है. सो इस वजह से कल आंसर राइटिंग, अब आप मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे. हम ग्रुप के थ्रू करेंगे, ठीक है. वैसे हमारा क्लास का अगर टाइमिंग मिल जाता तो क्लास में होता, बट क्योंकि कल हमने रखी है तो एक सर्टन टाइम पीरियड पे क्वेश्चन दूंगी मैं ग्रुप में, और आपको उसी सर्टन टाइम पीरियड जितना मैं दूंगी उसी विंडो में आपको वो आंसर लिख के उसको सबमिट कर देना है, ठीक है. तो अब आप मंडे में आंसर राइटिंग, नहीं हम नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. नहीं नहीं देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा 9 बजे शार्प 9 o'clock टाइम है, उस टाइम ही मैं क्वेश्चन डालूंगी वहाँ, और टाइम दूंगी 9:15 में करके उसको स्कैन करके फोटो भेजनी है. तो अब चाहे इंटरेस्ट बने या इंटरेस्ट ना बने, आपके पास 15 ही मिनट का टाइम है, उसमें जितना लिखा गया उतना आपने भेजना पड़ेगा. ऐसे है तो इस वजह से काइंड ऑफ एक वो बन जाएगी आपकी. और ये सिर्फ हम इसी यूनिट के लिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं है, ठीक है. ओके.